ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। मुंबई पुणे समेत कोंकण के अधिकांश हिस्सों में बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि वीकेंड में अरब सागर में एक चक्रवात बन सकता है जिसका नाम तेज होगा। फिलहाल अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र मौजूद है। मौसम विशेषज्ञों के अनुमान है कि यह कम दबाव का क्षेत्र मानसून के बाद के पहले चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। यदि चक्रवात तेज बनता है तो इससे मुंबई पुणे और दक्षिण कोंकण क्षेत्रों में मौसम प्रभावित होने की संभावना है। मौसम विभाग स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है, नियमित अपडेट जारी कर रहा है। अभी के जो संकेत हैं उसके मुताबिक 22-23 अक्टूबर के आसपास अरब सागर में चक्रवात बन सकता है। इस बीच आज जारी मौसम पूर्वानुमान में IMD ने बताया कि 23 अक्टूबर तक मुंबई व उपनगरों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। IMD अरब सागर में चक्रवाती परिसंचरण की गति पर पैनी नजर बनाए रखे हुए है। अभी तक चक्रवात की तीव्रता और मार्ग का पता नहीं चला है, लेकिन अगले दो दिनों में मध्य अरब सागर के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के तीव्र होकर डिप्रेशन में बदलने की उम्मीद है। यदि अरब सागर में चक्रवाती परिसंचरण तेज होकर चक्रवात तेज में बदल जाता है और महाराष्ट्र के पास टकराता है तो मुंबई पुणे और कोंकण क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदल जाएगा। इससे तापमान में गिरावट होगी और बारिश की भी संभावना है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अभी यह निश्चित रूप से कहना जल्दबाजी होगी कि चक्रवात तेज मुंबई से टकराएगा या नहीं। IMD ने भविष्यवाणी की है कि संभावित चक्रवात तेज 21 अक्टूबर के आसपास मध्य अरब सागर के ऊपर डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। इसके बाद चक्रवाती तूफान के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है और संभावित रूप से 23-24 अक्टूबर के आसपास गुजरात या महाराष्ट्र के तट से टकरा सकता है। मौसम के कुछ जानकारों का दावा है कि चक्रवात तेज के ओमान पाकिस्तान की ओर बढ़ने की संभावना है, इसलिए मुंबई और महाराष्ट्र पर इसका कोई असर होने की संभावना नहीं है। मुंबई में गर्मी और उमस बनी रहेगी। हालांकि अरब सागर में अभी तक कोई चक्रवाती तूफान विकसित नहीं हुआ है और मौसम विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। शेतकऱ्यांना जनतेलाही सांगायचंय, हवामान खात्याने थोडासा असा अंदाज व्यक्त केलेला आहे की दोन चक्रीवादळ ही निर्माण झालेली आहेत आणि त्या चक्रीवादळाचा काही प्रमाणामध्ये पाऊस पडण्याच्या करता उपयोग होऊ शकतो। आता तो मध्य महाराष्ट्रामध्ये तसंच कोकण किनारपट्टीवर असाही होऊ शकतो असं सांगितलं। शेवटी चक्रीवादळ हे नैसर्गिक भाग आहे आणि त्याच्यातून एक शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे। म्हणून आम्ही आज चर्चा करत असताना जर यदा कदाचित कर्मधर्म संयोगाने आपल्याला पावसाची गरज आहे, त्याच्यातनं पाण्याची पातळी वाढायला मदत झाली तर निश्चितपणे पुन्हा एकदा आपण बसून साधारण जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये बसायचं आमचं पुन्हा ठरलेलं आहे। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।